14 जून 2021, आज एक साल पूरे हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए हुए। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी शायरी सुशांत सिंह राजपूत को डेडिकेट करना चाहता हूँ। इस शायरी को मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने लिखा है। छोटे गांव से आया था नाम कमाने, चांद सितारों पे अपना नाम सजाने। छोटे गाँव से आया था नाम कमाने, चांद सितारों पे अपना नाम सजाने। छोटे छोटे कदमों से लगाई थी मैंने बड़ी छलांग। छोटे छोटे कदमों से लगाई थी मैंने बड़ी छलांग, तब जाके पता चला कितने भरे पड़े हैं जलने वाले शैतान। मेहनत लगन और निष्ठा से किया मैंने अपना काम, मेहनत लगन और निष्ठा से किया मैंने अपना काम, फिर किस वजह से ले उठा मुझे भगवान। जब कोई इंसान जिंदा होता है ना और उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन वही इंसान जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो सब ऐसे दुख जताते हैं जैसे उसके सगा संबंधी, ऐसा प्रिटेंड करते हैं उसके जाने से कि हमें बहुत दुख हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना ही दुख होता तो जब कोई इंसान इस दुनिया में जिंदा है तो उसे पूछ लेते, उसके हालचाल पूछ लेते। लेकिन ऐसा नहीं, मर जाने के बाद सब रोते हैं लेकिन घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब बस ढकोसला है। फर्क पड़ता है तो ये कि कैसे हम दूसरे की मजबूरी में हम अपना रोटी सेक सके। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई ना, तो किसी ने अपने पॉलिटिक्स खेला, तो किसी ने अपने न्यूज चैनल के जरिए खूब रोटी सेकी, खूब टीआरपी खींचा, और बहुत से बॉलीवुड के कुत्तों ने ज्ञान पीला। इनको स्टार्स बोलना बेकार है, ये स्टार नहीं, ये एक दिमाग की तरह है। यही बॉलीवुड के हरामी लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खुल के बात नहीं की, और यही लोग जब अमेरिका में काले गोरे की बकचोदी चल रही थी ना, तब सब यही लोग ब्लैक लाइव्स मैटर का ज्ञान चोद रहे थे। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई ना, तो किसी ने कुछ नहीं बोला, और किसी ने अगर बोला भी तो किसी ने डिप्रेशन का ज्ञान पेला, तो किसी ने सुसाइड नहीं करने की नसीहत दी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई, और इनकी मौत का मजाक सबने अपने अपने तरीके से उड़ाया है। किसी ने बोला कि ये ड्रग्स एडिक्ट था, तो किसी ने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत का कनेक्शन दुबई से था, तो किसी ने बोला कि ये मॉलेस्टर था। लेकिन आज एक साल हो गए इनकी मौत को, सच अभी भी सामने नहीं आया है कि उस रात असल में हुआ क्या था, और मुझे लगता भी नहीं कि कभी ऐसा होगा, ना ही कभी सच सामने आएगा। तो आज मैं इसी टैलेंटेड स्टार के लाइफ के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। इन्होंने स्कूलिंग दिल्ली से की, और इन्होंने फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड का टाइटल भी जीता, कितनी बड़ी बात है। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की, लेकिन इन्होंने बीच में ही ड्रॉप आउट कर लिया क्योंकि इनका मन एक्टिंग में लग रहा था, और आप सभी को पता है कि एक्टर कैसे थे, और डांस तो ताबड़तोड़ करते ही थे। और उसके बाद पहली बार इन्हें टीवी सीरियल पवित्र स्तंभ में लीड रोल मिला, जिसे हम मानव के नाम से जानते थे। करीब 2 साल इस सीरियल में काम करने के बाद इन्होंने टीवी सीरियल को क्विट कर दिया। आप समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रिस्क लिया। उस समय की सबसे बेस्ट सीरियल थी पवित्र रिश्ता, उसको क्विट करके अपने करियर को दांव में लगा के अमेरिका गए, वहाँ फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, कोर्स खत्म करके वापस इंडिया आए और बॉलीवुड में काम ढूंढना चालू कर दिया। करीब 2 से 3 साल बाद पहली बार 2013 में डेब्यू फिल्म काईपूची आई, और एमएस धोनी में इनकी एक्टिंग तो सबने देखा, ब्लॉकबस्टर मूवी थी वो तो। मेरे बताने का उद्देश्य यही है कि जो इंसान छोटे से जगह से आने के बाद इतने बड़े शहर में टीवी सीरियल से शुरुआत करके उस सीरियल को बीच में छोड़ दिया, जब वो सीरियल उस समय टॉप पर था, पीक पर था, अपने करियर को दांव में लगा के सीरियल को छोड़कर बॉलीवुड में अपना लक ट्राई किया और उसमें सफल भी हुए, तो वो ऐसा एक्टर कैसे सुसाइड कर सकता है, अभी तक समझ नहीं आता। इतने बेहतरीन एक्टर को मेंटली डिस्टर्ब है यहाँ तक बोला गया, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मर्डर है कि सुसाइड है, लेकिन विकिपीडिया में डेथ की वजह सुसाइड बाय हैंगिंग लिखा हुआ है, कमाल है। चल दो ना साथ मेरे,